सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कुछ मीडिया हाउस में ये खबर चल रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया है। मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है। मैं एक योद्धा हूँ, आम परिवार से निकला हुआ योद्धा, लड़ाई में संघर्ष करता है और जीत संघर्ष की होती है। तो ये बात मैं आज स्पष्ट तौर से करना चाहता हूँ। जो ये प्रोपोगंडा कर रहे हैं कि ये जो बजट है, बजट सेशन में जो विधायकों को बरगलाने की बात कर रहे हैं, वो इस बात का ध्यान रखे, हम बजट में अपनी मेजोरिटी को साबित करेंगे और जब हमारी मेजोरिटी साबित होगी, निश्चित रूप पर भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि जो विधायक थे वो उसमें से कुछ विधायक हमारे संपर्क में हैं और जो राजनीतिक लाभ ला उठाने के लिए कुछ लोग हैं वो राजनीतिक लाभ भी नहीं उठा पाएंगे। ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी की सरकार 5 साल चलेगी, आम आदमी की सरकार है, कर्मचारी की सरकार है और महिलाओं के सम्मान की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार का बर्ताव इस सदन में कर रही है वो उचित नहीं है और मैं आपको ये आश्वासन देना चाहता हूँ, हमारी सरकार पूरे 5 साल चलेगी। कोई राज्यसभा के वोट के बाद जो हमारी अभी स्थितियाँ हैं वहाँ हमारी मेजोरिटी है और ये भी ना सोचे, कुछ उनके साथ के विधायक भी हमारे संपर्क में हैं। निश्चित तौर पर मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी जो ड्रामा करना चाह रही है कर रही है और उस ड्रामे को वो अच्छा निभा रही है और अच्छे कलाकार हैं। बहुत बहुत सर, सर इस्तीफे की ये कौन फैला रहा है इस्तीफे की? ये मुझे समझ नहीं आया, मेरे को तो अभी फोन आया क्योंकि मैं तो विधानसभा की कार्रवाई बैठा हुआ था ऊपर स्पीकर के कमरे में और डेढ़ दो घंटे से ये न्यूज चल रही कि मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया। वो भी जब विपक्ष के नेता ने मेरे पास वहाँ जो हमारे विधायक थे कांग्रेस के विधायक बैठे हुए थे उनके पास आके कहा पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने कि मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, तब मैंने स्पष्टीकरण देना शुरू किया कि मैंने कहा हम योद्धा है, युद्ध की तरह लड़ाई लड़ते हैं और ये लड़ाई युद्ध की तरह लड़ रहे हैं, हर चुनौती का सामना करते हैं यार, हम जीतेंगे निश्चित तौर पर। मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है, कांग्रेस पार्टी की सरकार 5 साल चलेगी। धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी विक्रमादित्य